अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 7.10। तो इसके पहले क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रल एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स लिमिट 0 टू 1 का। तो इसको हम लोग ले सकते हैं इज इक्वल टू हाफ ऑफ लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस वन लिमिट 0 टू 1 इज इक्वल टू, हम लिमिट डालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास हाफ ऑफ log 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस log 0 प्लस 1 और हमारा आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू हाफ log 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम sin phi इज इक्वल टू 2t मान लें तो हमारा dt हो जाएगा dt इज इक्वल टू cos phi d phi। तो हमारा ये इंटीग्रल हो जाएगा, इंटीग्रल हमारे लिमिट डालेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा t इज इक्वल टू sin 0 दैट इज 0 और साइन पाई दैट इज 1 और ये हो जाए हमारे पास रूट टी टाइम्स ले सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर, वो हो जाए हमारे पास कॉस फाई का पावर 4 इंटू कॉस फाई डी फाई दैट इज डी टी। और अब हम यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये हो जाए हमारे पास इंटीग्रल 0 टू 1 रूट टी टाइम्स टी टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस 2 टी स्क्वायर टाइम्स dt और ये हो जाए हमारे पास इज इक्वल टू लिमिट 0 टू 1 टी टू द पावर 9 बाई 2 प्लस टी टू द पावर 1 बाई 2 माइनस 2 टाइम्स टी टू द पावर 5 बाई 2 टाइम्स dt और इसको इंटीग्रेट कर देंगे अब हम लोग तो ये हो जाए हमारे पास इज इक्वल टू टी टू द पावर 9 बाई 2 का इंटीग्रल हो जाएगा हमारे पास टी टू द पावर 11 बाई 2 डिवाइडेड बाई 11 बाई 2 प्लस टी टू द पावर 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 बाई 2 माइनस 2 टाइम्स टी टू द पावर 7 बाई 2 डिवाइडेड बाई 7 बाई 2 लिमिट 0 टू 1। जब हम अपर लिमिट डालेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 बाई 11 प्लस 2 बाई 3 माइनस 4 बाई 7 और जब लोअर लिमिट डालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। तो हमारा आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई 231। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रल 0 टू 1 साइन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स dx का। तो ऐसा करते हैं हम कि इसमें x इज इक्वल टू tan थीटा पुट कर देते हैं तो हमारा dx हो जाएगा dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा टाइम्स d थीटा एंड हमारा 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2 टाइम्स tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाता है हमारा sin 2 थीटा। तो हमारा इंटीग्रल हो गया इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये हम यहाँ पे तो हमारा इंटीग्रल हो गया इज इक्वल टू इंटीग्रल, यहाँ पे अब हम लोअर लिमिट डालेंगे दैट इज हमारा थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 और यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स 1 डालेंगे अपर लिमिट में हो जाएगा हमारे पास पाई बाय 4 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ इसको लिख देंगे हम लोग साइन टू थीटा टाइम्स सेक डी एक्स जगह हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और साइन इनवर्स साइन टू थीटा हो जाएगा बस टू थीटा। तो इसको लिखेंगे हम लोग टू टाइम्स इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई फोर टाइम्स थीटा सेक स्क्वायर थीटा टाइम्स डी थीटा, थीटा को फर्स्ट फंक्शन और सेक स्क्वायर थीटा को सेकंड फंक्शन मानेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू टू टाइम्स थीटा टाइम्स इंटीग्रल सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रल ऑफ डी थीटा डिवाइडेड बाय डी थीटा इंटीग्रल सेक स्क्वायर थीटा टाइम्स डी थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रल। ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल होता है हमारा टैन थीटा थीटा टैन थीटा माइनस इंटीग्रल डी थीटा वन हो जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल होता है हमारे पास टैन थीटा डी थीटा और इसको और टैन थीटा का इंटीग्रल होता है हमारे पास लॉग ऑफ सेक थीटा थीटा टैन थीटा माइनस लॉग ऑफ मॉड सेक थीटा लिमिट है जीरो टू पाई बाई फोर टू टाइम्स पाई बाई फोर टैन पाई बाई फोर माइनस लॉग मॉड sec pi by 4 minus
जीरो इंटू टेन जीरो माइनस लॉग ऑफ मॉड सिक जीरो, टेन पाई बाय फोर होता है वन, सिक पाई बाय फोर होता है हमारा रूट टू, टेन जीरो होता है जीरो और सिक्स जीरो होता है हमारा वन। तो ये हो जाएगा हमारे पास टू टाइम्स, ये हो जाएगा हमारे पास पाई बाय फोर माइनस लॉग रूट टू, लॉग रूट टू माइनस ये हो जाएगा हमारे पास जीरो माइनस लॉग वन, ये भी हमारा हो जाएगा जीरो। तो हमारा आंसर आ गया इज इक्वल टू पाई बाय टू माइनस, इसको ले सकते हैं हम लोग हाफ लॉग टू, और हाफ इंटू टू हो जाएगा हमारे पास वन, ये हो जाएगा हमारे पास लॉग टू, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर में हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू टू एक्स प्लस टू माइनस टू टाइम्स रूट एक्स प्लस टू टाइम्स डी एक्स, इसको दो पार्ट में तोड़ देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल जीरो टू टू एक्स प्लस टू टू द पावर थ्री बाई टू माइनस टू टाइम्स इंटीग्रल जीरो टू टू एक्स प्लस टू टू द पावर वन बाई टू टाइम्स डी एक्स, इधर भी होगा टाइम्स डी एक्स, और इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स प्लस टू टू द पावर फाइव बाई टू डिवाइडेड बाई फाइव बाई टू लिमिट जीरो टू टू माइनस टू टाइम्स एक्स प्लस टू टू द पावर थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई थ्री बाई टू लिमिट जीरो टू टू, ये जो हमारे पास इज इक्वल टू टू बाई फाइव टाइम्स फोर टू द पावर फाइव बाई टू माइनस टू टू द पावर फाइव बाई टू माइनस फोर बाई थ्री टाइम्स फोर टू द पावर थ्री बाई टू माइनस टू टू द पावर थ्री बाई टू, इसको इवेल्युएट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 32 प्लस 16 रूट टू डिवाइडेड बाई 15। क्वेश्चन नंबर फाइव में अगर हम कॉस एक्स इज इक्वल टू टी मान लेंगे तो हमारा डी टी इज इक्वल टू आएगा माइनस साइन एक्स टाइम्स डी एक्स, तो हमारा ये इंटीग्रल हो जाएगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस डी टी डिवाइडेड बाई वन प्लस टी स्क्वायर, और हमारे लिमिट्स हो जाएंगे कॉस कॉस जीरो इज इक्वल टू वन और कॉस पाई बाई टू इज इक्वल टू जीरो। तो इसको हम ले सकते हैं इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू वन डी टी बाई वन प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि ऐसा हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे बस ये है इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो ये होता है हमारा माइनस इंटीग्रल बी टू ए एफ एक्स टाइम्स डी एक्स, यही हमने अभी यूज़ किया है। तो हमारा आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स होता है हमारा वन बाय वन प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रल, लिमिट है हमारा जीरो टू वन, तो ये हो जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स वन माइनस टेन इनवर्स जीरो, और टेन इनवर्स वन होता है हमारा पाई बाय फोर और टेन इनवर्स जीरो होता है हमारा जीरो, तो हमारा आंसर आ गया पाई बाय फोर। क्वेश्चन नंबर सिक्स में हम इसको इस तरीके से सकते हैं इंटीग्रल जीरो टू टू डी एक्स डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा हमारे पास फोर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अभी हम यहाँ पे वन बाई टू का स्क्वायर ऐड भी कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी, तो ये हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू टू डी एक्स डिवाइडेड बाय फोर माइनस वन बाई टू का स्क्वायर हम बाहर निकालेंगे, हमारे पास फोर प्लस वन बाय फोर इज इक्वल टू रूट सेवनटीन बाई टू का स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास बाकी एक्स माइनस वन बाई टू का स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे इंटीग्रल डी टी बाई ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर वन बाई टू ए डैट इज वन बाई टू रूट सेवनटीन बाई टू इंटू लॉग ऑफ मॉड टी माइनस ए डैट इज एक्स माइनस वन बाई टू माइनस रूट सेवनटीन बाई टू डिवाइडेड बाई टी प्लस ए डैट इज एक्स माइनस वन बाई टू प्लस रूट सेवनटीन बाई टू मॉड बंद, और हमारा लिमिट है लिमिट जीरो टू टू, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू वन बाई रूट सेवनटीन लॉग ऑफ मॉड रूट सेवनटीन प्लस टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई रूट सेवनटीन माइनस टू एक्स प्लस वन लिमिट जीरो टू टू। अब हम इसमें लिमिट डालेंगे
तो ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 1/√17 तो है ही है, लॉग ऑफ मॉड √17 + 3 डिवाइडेड बाय √17 - 3 माइनस लॉग ऑफ मॉड √17 - 1 डिवाइडेड बाय √17 + 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 1/√17 लॉग ऑफ मॉड 21 + 5√17 डिवाइडेड बाय 4। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं -1 to 1 डी एक्स बाय, ये हो जाएगा हमारे पास x + 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, और इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे इंटीग्रल dt/t² + a², ये हो जाता है हमारे पास 1 by a tan inverse x by a, 1 by a tan inverse t by a। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 tan inverse x + 1 / 2 (limit -1 to +1), और अब हम लिमिट डालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 tan inverse of 1 + 1 / 2 -tan inverse of -1 + 1 / 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ टैन इनवर्स 1 होता है हमारे पास π/4 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 0 π/8, हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम 2x इज इक्वल टू t डाल देंगे तो हमारा dt हो जाएगा dt इज इक्वल टू 2 dx। तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल इंटीग्रल लिमिट्स हो जाएंगे हमारे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 2 टू 4, एक्स की जगह हम लिख देंगे t/2, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 2/t माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 2 by t² × e^t × 2 dt। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 4 टाइम्स इंटीग्रल 2 टू 4 e^t × 1/t - 1/t² × dt। और हम देख सकते हैं अगर हमारा एफ टी है 1/t तो हमारा f′t हो जाता है -1/t². और जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमारा कोई भी इंटीग्रल निकालना है इंटीग्रल e^x (f(x) + f′(x) · dx इज इक्वल टू होता है हमारे पास e^x (f(x) + हमारा इंटीग्रल कॉन्स्टेंट। तो यही फॉर्मूला हम लगा देंगे अभी तो ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 4 टाइम्स e^t × 1/t, लिमिट हो जाएगा हमारे पास 2 टू 4। तो यहाँ पे अब हम लिमिट डालेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स e^4 / 4 - e^2 / 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा इज इक्वल टू e^2 × e^2 - 1। क्वेश्चन नंबर 9 में ऐसा करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x से डिवाइड कर देते हैं (divided by x) / (divided by x). तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल 1 by x हमारा डिनोमिनेटर में अंदर जाएगा तो ये क्यूब होकर के घुसेगा तो ये हो जाएगा हमारे पास x/x³ - x³ / x³ (1/3) ये हो जाएगा हमारे पास x³ (dx). तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 to 1 (1x²) - 1 / 1/3) / x³ (dx). तो ऐसा करते हैं कि अब हम t इज इक्वल टू 1/x² - 1 मान लेते हैं तो हमारा dt आ जाएगा dt इज इक्वल टू -2 / x³ (dx). तो हमारी ये इंटीग्रल हो जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रल t^(1/3) - 1/2) · dt। और ये लिमिट हो जाएगा हमारे पास 1/x² - 1 (1/3)² (9 - 1 = 8) और 1/1² - 1 = 0। और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू -1/2 times e^4/3 / 4/3 (limit 8 to 0)। तो ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू t/8 × 8^4/3 - 0 = 3/8
8 to the power 4 बाय दिया हो जाएगा हमारा 16 इज इक्वल टू 16, तो हमारा आंसर आ गया इज इक्वल टू 6, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। पहले हम इस इंटीग्रल को कैलकुलेट कर देते हैं फिर एफ डैश सिक्स निकालेंगे। पहले हम इसमें बाय पार्ट्स लगा देते हैं, तो हमारे पास ये हो जाएगा टी टाइम्स इंटीग्रल साइन टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई डी टी इंटीग्रल साइन टी डी टी इंटू डी टी इज इक्वल टू माइनस टी टाइम्स कॉस टी माइनस ऑफ इंटीग्रल माइनस कॉस टी टाइम्स डी टी इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास माइनस टी कॉस टी प्लस कॉस टी का इंटीग्रेशन होता है साइन टी। और अब हम इसमें लिमिट्स डाल देंगे, तो लिमिट 0 to x, तो ये हो जाए हमारे पास इज इक्वल टू माइनस एक्स टाइम्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 0, तो ये आ गया हमारा एफ एक्स। तो एफ डैश एक्स हमारा हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, हम लोग चेन रूल लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स टाइम्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टाइम्स एक्स डिफरेंशिएशन 1 प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है हमारा कॉस एक्स। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर इज इक्वल टू एक्स टाइम्स साइन एक्स।